साथियों, सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है, अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा। और फिर कहते हैं ऐसा होगा, जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे एमएसपी तो घोषित होता था लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी, घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया, किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया, किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी लेकिन वो खुद मानते थे कि एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल, किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा।